कुमार आदित्य ने मेयर पद के लिए किया नामांकन। पूर्णिया में नगर निगम नामांकन के लिए समाहरणालय परिसर में प्रत्याशियों एवं समर्थकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इसी क्रम में पूर्णिया नगर निगम से महापौर प्रत्याशी कुमार आदित्य ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद सैकड़ों की संख्या में समर्थकों द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं नामांकन के बाद कुमार आदित्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जीत होती है तो समाज के हित में होने वाले हर काम एवं जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सबसे पहले दूर करेंगे। नगर निगम में आने वाली सभी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्णिया के विकास के लिए, पूर्णिया की जनता की भलाई के लिए मैं मेयर पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जात पात धर्म के दकियानूसी से बाहर निकल कर कर करके स्वस्थ प्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि पूर्णिया के आने वाले समय में भला हो। क्या कमी देखिए पूर्णिया में आपने? पूर्णिया में कमी ही कमी है। 10 बरस से ऊपर हो गए नगर निगम बने हैं, कुछ देर के पानी के बाद कोई सड़कें चलने लायक नहीं है। स्लम का मामला अलग है, फुटपाथ दुकानदार है उनकी अलग समस्या है, तमाम लोग समस्या से जकड़े हुए हैं, कोई समस्या से बाहर नहीं है। 2 घंटे की बारिश में पूरा पूर्णिया लहलहा जाता है पानी से। ड्रेनेज सिस्टम पे क्या बोलेंगे आप? मैं अगर मेयर पद के लिए चुन लिया गया तो सबसे पहले पूर्णिया में ड्रेनेज सिस्टम को मैं तय कराऊंगा। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन पूरा पूरा मिल रहा है, जनता के समर्थन से यहाँ जन यहाँ आए हुए हैं। परिचय बताइए। कुमार आदित्य मेयर पद के प्रत्याशी।